हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आपका डेनिस क्लास में। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब में जो जो मैथ्स का सिलेबस होता है, हम सब चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी में सब आ जाते हैं, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और स्टेट एग्ज़ाम कोई भी होता है, तो लगभग लगभग सारे एग्जाम्स के हम जो मैथ्स आते हैं उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमने कल देखा था, फर्स्ट क्लास हमारी कल हुई थी, इंट्रो क्लास हुई थी, जिसमें हमने क्या देखा था, सिलेबस क्या क्या है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, मैथ्स का सिलेबस क्या क्या कवर करना होता है ज़रूरी, तो हमने कल वो देखा था। ये क्लास आपकी डेली 8 o'clock सुबह में अपलोड की जाती है AM में, तो आप आके ज़रूर देखें इस क्लास को। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, वहाँ मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी, सिलेबस बताया था और कुछ कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी। फिर हमने देखा था सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन देखा था उसमें। फिर हमने बोर्ड मास देखा था, बोर्ड मास का कैसे होता है रूल, क्या होता है रूल। फिर हमने चालू किया था एल्जेब्रिक इक्वेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशंस में कौन कौन से क्या होते हैं इक्वेशन होते हैं, कैसे कैसे सॉल्व करना है, आज हम वो देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमने कल फर्स्ट देखा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये कहाँ से आया ये भी हमने कल देखा था कि कैसे ये आता है इक्वेशन। सेकेंड देखा था ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब हमने क्या किया था, इन दोनों को ऐड कर दिया था। जब हमने ऐड किया दोनों को, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो मेरा क्या आता है, ये दोनों ऐड हो गया, a प्लस में b का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इससे ये कट गया, तो क्या हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये आया था। फिर हमने कहा था इसको नीचे ले आते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस में सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू, ये मेरा इक्वेशन आ गया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू टू। अब हम देखा था इसके ऊपर, एक क्वेश्चन देखा था, एक क्वेश्चन आज देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन देखिए, इसमें एक 70 प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस में 70 माइनस 30 का होल स्क्वायर अपॉन में 70 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। अगर हम इसको कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करें, नॉर्मली जैसे करते हैं, 70 प्लस 30 100 का होल स्क्वायर प्लस में 70 माइनस 30 40 का होल स्क्वायर अपॉन में 70 स्क्वायर प्लस में 30 स्क्वायर, 100 होल स्क्वायर क्या हो गया 10,000 प्लस में 40 का होल स्क्वायर 1600, 70 का होल स्क्वायर 4900 प्लस में 30 का होल स्क्वायर 900, ठीक है, ये था। इसके बाद हम इसको प्लस करके सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये पूरी तरीके से ट्वाइस, यानी आंसर हमारा 2 आया। अब देखिए, हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना लंबा चौड़ा मेथड करना पड़ा। अगर हम यही इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करना चाहते हैं, तो देखिए, अभी हमने क्या देखा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना था,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए मेरा कितना है 70, बी कितना है 30, है ना सेम। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मेरा कितना आया था वहाँ पे ए प्लस में बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आया था 2 आया था। तो हम इस क्वेश्चन का सीधा आंसर लिख सकते हैं 2। देखिए कितने शॉर्ट ट्रिक से आ गया डायरेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स, अभी हमने देखा था ये दोनों इक्वेशन, इन दोनों को क्या किया था, ऐड किया था, ठीक है। तो मेरा कितना आ गया था ए प्लस बी का जो इक्वेशन आया था इक्वल टू में 2 आया था। अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में अभी कुछ नहीं, इधर आ जाइए। जब माइनस करेंगे ए से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, ये प्लस ये माइनस, तो कितना हो गया, माइनस प्लस साइन चेंज हो जाएगा, तो 2ab प्लस 2ab यानी 4ab, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे आ गया, इस 2ab को नीचे ले आइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ab, इसका इक्वल क्या हो गया 4। यानी ये इक्वेशन जहाँ दिखे आपको कैसे कर देना है, चुपचाप आँख बंद करें 4 क्लिक कर देना है, 4 टिक कर देना है, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये क्वेश्चन है, रूट थ्री प्लस रूट टू का होल स्क्वायर माइनस रूट थ्री माइनस रूट टू का होल स्क्वायर अपॉन में रूट सिक्स। अब हम देखें तो काफ़ी कंफ्यूजन लग रहा है कि आप कैसे सॉल्व करेंगे, रूट में आंसर कैसे लाएंगे। तो देखिए बहुत सिंपल है, रूट थ्री, अब मानिए ए को रूट थ्री अगर देखते हैं, एज्यूम करते हैं बी को रूट टू, तो ऊपर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। नीचे हमको क्या चाहिए था, ए बी चाहिए होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए, रूट सिक्स, रूट सिक्स को क्या लिख सकते हैं हम, रूट टू इंटू रूट थ्री, बिल्कुल लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट थ्री। तो यहाँ से क्या हो गया, ये क्या है मेरा बी है, ये क्या है ए है, तो हो गया मेरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए माइनस ए इंटू बी, ठीक है। ए बी आ गया, तो इसका सिंपली आंसर क्या बताया था मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था, आंसर 4, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं क्वेश्चन, 50 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर अपॉन में 30 इंटू 20। अब यहाँ तो हमको समझ ही नहीं आ रहा इसको करना कैसे है, हम इसको या तो इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, सॉल्व करके फिर डिवाइड करके निकालें। हम एक और तरीके से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम बिल्कुल सीख सकते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर लें। देखिए 50 को क्या लिखा जा सकता है, नीचे आपको दिखा है कि 30 इंटू 20 है, यानी आप एज्यूम करिए ए को 30 मानिए, एक सेकंड के लिए एज्यूम कर लीजिए बस, बी को 20 मानिए, तो क्या इसको लिख सकता हूँ, 50 को कितना लिखा जा सकता है, 30 प्लस 20 का होल स्क्वायर। 10 को कितना लिख सकते हैं, 30 माइनस 20 का होल स्क्वायर अपॉन में 30 इंटू 20। देखिए क्वेश्चन में ही आपका हिंट छुपा होता है, आपको बस क्वेश्चन को देखना है कि आपका हिंट कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है। हिंट आपको दे रखा है, अगर यहाँ पे नहीं दिया होता तो काफ़ी प्रॉब्लम होता, अगर यहाँ पे 600 लिख देता तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, बट क्वेश्चन में हिंट दे देता है एग्जामिनर को, एग्जामिनर भी नहीं चाहता है कि आप क्वेश्चन गलत करें, एग्जामिनर चाहता है कि आप ट्रिक के साथ क्वेश्चन सही करें, ठीक है। तो ये आ गया, अब यहाँ से डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए इंटू बी, मैं सीधा आंख बंद के आंसर 4। देख सकते हैं कितने आसानी सॉल्व हो गया। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यह होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम इसको नीचे ले आए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कितना आ गया ए प्लस बी, बस यही है ट्रिक, इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं करना, यही ट्रिक है। तो एग्जामिनर आपको ये दे देगा, बोलेगा आंसर बताइए, तो आपको क्या करना है, बस ये करना है ए प्लस बी, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, 64 प्लस 27 अपॉन में 4 स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 3
प्लस में 3 स्क्वायर। देखिए आप क्वेश्चन को देखिए, समझ नहीं आया कैसे करना है, क्वेश्चन में हिंट छुपा होता है, मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन में हिंट छुपा होगा आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो क्या इसको देखने से आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि ये 4 क्यूब हो सकता है? बिल्कुल, 4 क्यूब क्या होता है, 64। 27 को देखने से लग रहा है 3 क्यूब है ये, है ना, 27 3 क्यूब। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व, इसको ऐसे लिख लीजिए, अगर आप बस आपके दिमाग में ये सब होना चाहिए, अगर आपके दिमाग में हो गया तो आप सिंपली आंसर क्या लिख देंगे, ए प्लस बी, यानी 4 प्लस 3। बट मैं आपको बताने के लिए समझा देता हूँ, देखिए 64 को क्या लिख सकता हूँ, 4 क्यूब, 27 को क्या लिख सकता हूँ, 3 क्यूब, अपॉन में 4 स्क्वायर माइनस 4 × 3 प्लस में 3 स्क्वायर। देखिए यही फॉर्म बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यही फॉर्म बन गया। इसका आंसर क्या था, ए प्लस बी, तो मेरा ए क्या है, 4 प्लस 3 = 7, तो मेरे से 7 आंसर आ गया। देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखिए 15 क्यूब प्लस 5 क्यूब अपॉन 15 स्क्वायर माइनस 15 × 5 प्लस है 5 स्क्वायर। तो देख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। हमको पता है क्या आंसर होगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या है, 15 प्लस 5 = 20, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी देखा था, अब हम देखने वाले ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे प्लस हो जाता था, यहाँ पे माइनस हो जाता था। यहाँ पे इस फॉर्मूला को बिल्कुल अच्छे से याद करके करेक्टेगा, काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें और एक इस फॉर्मूला में, ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस, तो दोनों फॉर्मूले को अच्छे से याद रखिएगा। तो देखिए अब इसको नीचे ले आइए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, कितना आंसर आ गया, ए माइनस बी, बिल्कुल सिंपली। तो इसके ऊपर चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 क्यूब माइनस 8 अपॉन में 40 स्क्वायर माइनस 2 × 40 प्लस में 2 स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन में भी हिंट छुपा हुआ है, हमको नीचे क्या दिख रहा है, 40 स्क्वायर 2 × 40 2 स्क्वायर, यानी अगर हम इसको a एज्यूम करते हैं तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, अगर ये ए स्क्वायर है तो बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी बी मेरा 2 आ गया। अब देखिए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 क्यूब, बिल्कुल बोलेंगे सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है लिख दिया मैंने, 40 क्यूब माइनस 2 क्यूब अपॉन में 40 स्क्वायर माइनस 2 × 40 प्लस में 2 स्क्वायर, बन गया मेरा फॉर्म, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए बी इंटू में प्लस में बी स्क्वायर, बन गया। इसका आंसर क्या आना था, ए माइनस बी आंसर आना था, तो ए क्या है मेरा 40 है, बी क्या है 2 है, आगे आंसर 38 हो गया, बिल्कुल सॉल्व। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सिंपल है, ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा। एग्जामिनर क्या कर सकता है, कभी इसको नीचे ले आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बी कर देगा, या कभी इसको नीचे ले आएगा, तो जो इधर बच जाएगा इक्वल टू में वो आपका आंसर आ जाएगा। तो बस आपको ये सिंपल तरीके से करना है। तो फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।
ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB, ए प्लस बी, सब जगह प्लस आ रहा था, ठीक है। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3AB, ए माइनस बी, ठीक है। इसको एक सॉल्व कर लेते हैं लिख के, इन दोनों को खोल लीजिए। इसको खोलेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, इसको मल्टीप्लाई किए 3A² B प्लस में 3AB², ऊपर वाला ये आ गया। नीचे वाले का करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3A² B प्लस में 3AB². नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या होता है? प्लस हो जाता है, 3AB² आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ये सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वेशन करते हैं क्या होता है। देखिए यहीं पे जो जो कटोरा कट कर लेते हैं, 3A² B नेगेटिव है, 3A² B पॉजिटिव है, कट हो गया दोनों, ठीक है। ये प्लस है, ये प्लस, यानी ऐड हो जाएगा। यहाँ पे बी क्यूब नेगेटिव है, यहाँ बी क्यूब पॉजिटिव है, ये कट हो गया। बचा क्या क्या? ए क्यूब, तो क्या बचा इधर? पहले क्या बचा? ए प्लस में बी का होल क्यूब प्लस में ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू में ट्वाइस ए क्यूब, ट्वाइस ए क्यूब प्लस में 6 टाइम्स ऑफ AB², 6 टाइम्स ऑफ AB²। अब एक काम करिए, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? यहां से 2A कॉमन ले लिए, बचा क्या? A² प्लस में 3B², A² प्लस 3B² बचा। इसको नीचे ले आइए, A प्लस में B का होल क्यूब प्लस में A माइनस B का होल क्यूब अपॉन में A² प्लस 3B² इज इक्वल टू 2A, ठीक है। तो याद रखिएगा ये, अगर यहाँ पे 3 भी है, हमको क्या देखना है? अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई B² है तो मेरा आंसर A 2A हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक और याद रखिए, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन करते हैं, तब मेरा आंसर क्या होता? A प्लस बी का होल क्यूब माइनस A माइनस बी का होल क्यूब अपॉन में B² प्लस में 3A² इज इक्वल टू 2B। ये आंसर आता है अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसको भी याद रखिएगा, अगर नेगेटिव में है और ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर है, मतलब थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर है, तो आंसर मेरा क्या होगा? 2B। और थ्राइस ऑफ बी स्क्वायर है तो आंसर क्या होगा? 2A, ठीक है। बिल्कुल दोनों याद रखिएगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 60 + 10 का होल क्यूब प्लस में 60 - 10 का होल क्यूब। हमने होल क्यूब देखते पता कर लिया कि मेरा फॉर्म कौन सा हो सकता है, इन दोनों में से कोई फॉर्म होगा, ठीक है। होल क्यूब है तो हमने पता कर लिया। उसके बाद हमने नीचे देखा 60² प्लस में 3 10² 60 क्या है? ए है मेरा ए, 10 क्या है? बी है। 60 ए हो गया, 10 बी हो गया, तो 3 10² है, तो यानी मेरा आंसर क्या होगा? ट्वाइस ऑफ ए। अगर 3 times 10² है, 3 times B² है, तो मेरा आंसर आएगा ट्वाइस ऑफ ए। तो ए कितना है? 60 था मेरा, 2 × 60 = 120। तो ये देख सकते हैं आसानी से सॉल्व हो गया। बस आपको ये ट्रिक याद रखना है बिल्कुल अच्छे से कि ए स्क्वायर प्लस 3B², अगर 3B² हो तो आंसर 2A होगा, 3A² हो और ऊपर नेगेटिव हो तो आंसर 2B। नेगेटिव याद रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप नेगेटिव भूल जाएं और क्वेश्चन गलत करके आ जाएं, तो 2B² हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, 250 प्लस में 50 का होल क्यूब माइनस 250 माइनस 50 का होल क्यूब अपॉन में 50² प्लस में 3
टाइम्स 250 स्क्वायर। तो देखिए ये आपको बी बी दिख रहा है, बी ये ए हो गया। आप अगर एज्यूम करिए, मानिए आप इसको ए मानते हैं, अगर आप बोलें कि सर इसको मैं बी मानता हूँ, इसको ए मानता हूँ, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, नहीं ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि अगर थ्री टाइम्स ऑफ ये हो, थ्री टाइम्स जिसका भी हो, तो हम वो नहीं करके जो ये नंबर होगा इसका ट्वाइस कर देंगे। देखा मैंने यही बताया था ना, थ्री टाइम्स जिसका भी हो उसको ना लेके, जैसे थ्री बी है तो हम टू ए लिखेंगे, थ्री ए है तो टू बी लिखेंगे। तो यहाँ पे थ्राइस ऑफ 250 है तो हम लिखेंगे क्या, ट्वाइस ऑफ 50, ठीक है बिल्कुल याद रखिएगा। ए बी से कंफ्यूज मत होइए, बस आप देखिए किसके साथ थ्राइस है, कौन थ्री से मल्टीप्लीकेशन है, जो थ्री से मल्टीप्लीकेशन है वो छोड़ के दूसरे वाले का ट्वाइस कर देंगे। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल हम देखने वाले हैं फ्रैक्शंस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आप अब हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।